मैं मुसलमान हूँ, जिहाद नहीं फैलाता, जाकिर नायक। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक ने NIA पर आरोप लगाया है। नायक का कहना है कि मुसलमान होने के कारण उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। बता दें कि जाकिर नायक आतंकवाद को बढ़ावा देने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। NIA ने इंटरपोल से जाकिर नायक को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहा था। गौरतलब है कि जाकिर नायक NIA के नज़र में जुलाई 2016 में ढाका में हुए आतंकवादी हमले के बाद आए, जिसमें आतंकियों ने कहा था कि उन्होंने जाकिर नायक के भाषण से प्रेरित होकर ये हमला किया है। नायक ने इंटरपोल को अपने जवाब में कहा कि भारतीय जांच एजेंसी उन्हें केवल इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि वह मुसलमान है। उन्होंने दावा किया है कि उनके भाषण जिहाद को बढ़ावा देने वाले नहीं हैं, उनके भाषण केवल शांति के लिए हैं। बांग्लादेश में कुछ आतंकियों ने नायक के उपदेशों से प्रेरित होकर जिहाद का रास्ता अपनाने की बात कही थी, जिसके बाद नायक 1 जुलाई 2016 को भारत छोड़कर चले गए थे। NIA ने 11 मई को इंटरपोल और CBI को पत्र लिखकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा था। बता दें कि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नायक को संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब और मलेशिया या इंडोनेशिया में छुपाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज।